वही भाई बच्चे इधर 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 स्टार्ट देखो आप सामने देखो आइए लाइट करें देखिए बोलिए देखो बच्चे को बुला के ये लोग हमला कर दिए मेरे वहाँ पर और ये पूरे लोग झूठ बोल रहे हैं आपसे। बच्चे को हमेशा जाता हमेशा सीधा आता बच्चा बुला के उनके लोग उनका भाई रॉड लेके मार दिया वो बच्ची का बच्ची भाऊ हाँ मार दिए। ये लोग पूरा टॉर्चर कर रहे बच्चे को पूरा पैसा बर्बाद कर दिए बहुत कुछ करे बच्चे के साथ। मारने की वजह आना रोज़ इनको पैसा देना करना शादी करे 10 साल पहले फिर छुड़ा भी दिए फिर उसके बाद पकड़ के बच्चे के साथ ज़्यादती करके पैसा टक्का पूरा उसको टॉर्चर करके फ़ोन करके तारना कैसे इधर बुलाना बुला के उसके साथ ये कामा करना। दो बच्चे हैं मेरे बच्चे का नाम गफूर खान है क्या उम्र जी उनकी उम्र है 30-35 साल है जी। सब ये बताइए पहले तो बताया गया कि आपका लड़का कुछ काम नहीं करता हाँ। और दूसरी बात आपकी बहू को बहुत टॉर्चर करता था मारता था ऐसा कुछ इल्जाम मत लगे हैं नहीं नहीं ऐसा मारना तोड़ना ये लोग ही बुला के उसको पैसा टक्का पूछे तो ये लड़ाई होते थे रहेंगे। हम तो उधर रहते नहीं हम रहते तारनाके में वो लोग रहते इधर ये सब गलत बयान दे रहे हैं वो लोग। लड़की के वालिद ने साफ तौर पर बयान दिया है कि कौन मारा पता नहीं चला हमको तो नहीं मालूम कौन मारा नहीं नहीं अक्सर उन्होंने पी कर करता है ऐसा कोई नशा का भी शौक करते बल्कि मालूम नहीं उन्होंने आने के बाद इधर पिलाते उनको उनके जो हमारे भाव के लोग हैं जो उनको पिलाते उनके बाबा उनके भाया वो क्या क्या है कि वहाँ पे उनकी बस्ती में उनको अभी आपके भाव निके में ही नहीं है अंकल आपके बेटे के देखो भाई निके में थे उन्हों फिर उसके बाद मैं छुड़ा दिया उनको हाँ होगा फिर उसके बाद बच्चे को बुलाना तारना के पे भी वॉशिंग सेंटर था पूरा बर्बाद कर दिया बच्चा परसों तला काटो था वो बर्बाद कर दिया पूरा बुला के बच्चे को टॉर्चर करके पैसा खींच लेना हो सकता आप बैकग्राउंड में उन्हें पूछ रहे होंगे ये लोग कुछ करके उसको आज बुला के उसको मार दिया ऐसा इल्जाम है कि दूसरी शादी भी करा है आपका लड़का नहीं हम खुद एक शादी करके लाए बच्चे को लाए लाने के बाद भी ये लोग क्या क्या है कि बच्चे को उल्टा सीधा करके बच्चे को वो शादी वालों से भी ये कर दिए ये लोग उनको कौन मारे आपको क्या क्या लगता है कौन मार सकता है उनके उनके लोग उनका बाप एक नंबर का गुंडा वो भाई भी गुंडे पूरे वो हाइसो अब इस वक्त जिसको मैं बोल रहा हूँ आसिया बेगम वो भी ऐसे ही बात हर उनका जो भी आता खाली फोना करते हमारे को तंग करते नहीं हाँ तो ये रहना ना साहब अब वो तो मर्द बच्चा है उसको देख लिए इसका घरदार जाती है ता यूनिवर्सिटी में इसको बुला के यहाँ पे उसको टॉर्चर करते डेली पहली बीवी कहाँ है अभी ना पहली बीवी मेरी बेटे की लाला घोड़े में दोनों निके में है उनके हाँ निके में है उनको निके में उनको कितने बच्चे उनको दो बच्चे अभी आपके साथ है वो आपके साथ है अभी गए हुए हैं ससुराल ससुराल को गए हाँ। उन्होंने बता रहे हैं कि मेरे हमारी बच्ची कहाँ पर है ये इनको मालूम है गफूर को मालूम है बता रहे थे किन की बच्ची यानी कि आपकी बहू पहली बीवी हाँ बच्चे की पहले की पहले तो इन्हों ही लपटे भाई यहाँ बिल्कुल सही है साहब जो ईदी बाजार के रहने वाले हैं हाँ वो लड़की उनकी लड़की जो है वो अभी लापता बता रहे हैं कहाँ पर है लड़की मुझे नहीं मालूम यहीं से अभी तलक फोन करी मेरे को जी हाँ करके बोलो भाई नहीं कंडीशन बैड है उनका अभी ट्रीटमेंट हो रहा आपकी पहली बहू का नाम क्या है उनका नाम भी आसिया बेगम हाँ ठीक है कैसे मारे बोल के मालूम हो रहा है ये राड से लेके मार दिए उसका वो वाह वाह आपके बच्चे ससुराल वाले उनके घर पे मारे जी अटैक कहाँ पे हुआ है ये यहाँ पे अपना यहाँ पे वो ई सेवा है ई सेवा के बैक साइड में बुला के बात करते बोल के उनके भाई लेके पीछे से आके राड से मार दिया।